नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव टीवी में। मैं हूं रिंकू सुमड़िया। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास उर्दू खबरों पे। जिला डोडा में संसद खेल स्पर्ध के तहत इंट्रा ब्लॉक जिला सत्ता के मुकाबले का इनका डीडीसी डोडा धनंतर सिंह ने 11 बजे स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में किया, जिसमें जिला डोडा के मुक्ति इलाकों के तमाम 18 ब्लॉक्स के खिलाड़ियों ने खेल स्पर्धा में हिस्सा लिया। इस मौके पर डीडीसी डोडा ने खेल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को खेलों की अहमियत के बारे में अपने ख्याल से रोशनास किया। तो पेश है डोडा से कुमार सुरेंद्र की ये रिपोर्ट। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मीडिया पर्सन्स का, आप टाइम टू टाइम हमारी कवरेज देते हो। ये टूर्नामेंट डॉक्टर जितेंद्र साहब जो हमारे पीएमओ हैं, एमओएस हैं, उनकी तरफ से एक, आपने तो सुना होगा नाम इसका, संसद खेल स्पर्धा है। ये थ्रू आउट इंडिया चल रही है। अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें किया है, बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं स्टेट में उसमें नहीं हो रहा है। तो हमारा शायद, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को ज़्यादा क्रेडिट दे रहा हूँ कि हम जो इंटर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल करने जा रहे हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट पहले इंटर हुआ है इसमें। ये उनसे हमें इंस्ट्रक्शंस आई थी, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को आया, हमारी वीसी वगैरह हुई, तो डीसी साहब ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया। इसमें थोड़ी कठिनाइयाँ भी हुई, तो हमने ये इंटर पंचायत से शुरू किया, इंटर पंचायत ब्लॉक लेवल से। इसमें आपको पता है कि 237 पंचायतें उन्होंने हिस्सा लिया, अंडर 17 बॉयज़ गर्ल्स थी। इसमें 5 डिसिप्लिन हमने रखे हुए थे, वॉलीबॉल बॉयज़ गर्ल्स का, कबड्डी बॉयज़ गर्ल्स का, रेसलिंग बॉयज़ गर्ल्स का अभी जो होने जा रहा है, और एथलेटिक्स के 5 इवेंट हैं, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर रनिंग है, और ट्रैक इवेंट हैं इसमें, एक लॉन्ग जंप और शॉर्ट पुट। उसकी इनकी सिलेक्शन वहाँ पर हुई है, सिलेक्शन अब ये ब्लॉक लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी यहाँ से जो टीमें जाएँगी वो डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करेंगी। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंटर कॉन्स्टिट्यूंसी, इसके बाद जो लेवल है वो इंटर कॉन्स्टिट्यूंसी होने जा रहा है। तो इसमें कोशिश की है सब ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। ये हमारे 2 नॉमिनेटिंग मेंबर्स हैं, ये सेंटर से आए हैं, ये लुक आफ्टर कर रहे हैं पूरी टूर्नामेंट को। बाकी बच्चे जो हैं, हमारे सारे बच्चे हैं, उनमें काफ़ी जोश है। अभी हमारे 17 ब्लॉक हैं और 3 म्यूनसिपल की टीमें हैं, टोटल 20 हैं। आज जो बच्चे खेलने आए हैं, सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 745 जो इस लेवल पे कर रहे हैं, पीछे लेवल पे ज़्यादा थे। वहाँ से जो सिलेक्शन का होके आए, अभी हमारे पास 20 टीमें हैं हर एक इवेंट में। तो वो हम बारी बारी कर रहे हैं, क्यों जगह हमारी जगह की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की पता ही है आपको, डोडा में बहुत सी सारी कमी है। तो हम इन इवेंट के हिसाब से, जैसे इस कबड्डी को हमने 2 दिन दिए, आज इनाग्रेशन था, आप लोग तो मौजूद थे वहाँ, बड़ी बड़ी डिग्निटीज़ थी, सारे लोग मौजूद थे, सब लोगों ने डॉक्टर साहब का शुक्रिया किया कि ऐसे इवेंट और जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं वहाँ स्पोर्ट्स को पहुँचाना, उनका वो बच्चों में थोड़ा एक्सपोजर आ जाए, ये डोडा आ जाए, इनको यूनिफॉर्म के लिए अरेंज करवाया, बाकी रिफ्रेशमेंट्स, फूड्स जो है, ट्रांसपोर्ट है, सब उनके थ्रू और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हो रहा है। ये प्रोग्राम हमारा पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ पे हर जगह पे चल रहा था, और यहाँ पर भी हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की देखरेख में यहाँ पर हमने इसको ग्रास रूट लेवल से, गाँव से शुरू किया, स्कूलों से शुरू किया, और उसके बाद जितने भी स्कूलों का वहाँ पर आपस में हुआ, तो आज हम ब्लॉक लेवल का यहाँ पर करने जा रहे हैं। इसका उद्घाटन यहाँ पे हुआ है, आपने देखा कि इसमें हमारे जितने भी 17 ब्लॉक्स हैं रूरल डेवलपमेंट के और एजुकेशनल शायद उससे कम होंगे, तो वहाँ के सारे बच्चे आज इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 5 किस्म की गेम्स जो है उनका यहाँ पर स्पर्धा होगी, बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर और भी डिपार्टमेंट्स की सहयोग से आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ये स्पर्धा यहाँ पर की कराई जा रही है, और यहाँ पर स्पोर्ट्स के हमारे बहुत सारे जो इनके इंचार्ज हैं वो इसमें आए हुए हैं, यहाँ की स्पोर्ट्स स्टेडियम के लोग यहाँ पर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, स्पोर्ट काउंसिल के,
और उसके साथ साथ हमारी चाहे पुलिस है, चाहे आप मीडिया के लोग हो, सब लोग इसको बड़ा गहराई से इसको देख रहे हैं, इसको मॉनिटर कर रहे हैं और ये आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टूर्नामेंट होंगे और फिर हमारी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस तक इन बच्चों को पहुंचाया जाएगा। और इसके पीछे यही भाव है कि बच्चे हमारा ये कोविड के जो दो साल पीछे रहे उससे उबर कर आए हुए हैं और आने वाले समय में बच्चे, क्योंकि जो बच्चा खूब खेलता है उसी की सेहत तंदुरुस्त होती है, उसी का दिमाग तेज़ होता है, तो उस सारी चीज़ों को ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ये एक्टिविटी करनी बहुत ज़रूरी थी। और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का इनिशिएटिव था और इसको हमारे मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इसको मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग फिज़िकली इसमें मौजूद हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में और भी बच्चों में ये भाव भरे, हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेंट बने, हर बच्चा इसमें हिस्सा ले और नशे से दूर रहें और एक अच्छा उसको भी फील हो, उसके लिए ये सारी तैयारियां की गई हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से सब लोग इसमें ईमानदारी के साथ अपना अपना काम करेंगे तो हम इसमें और तरक्की करेंगे। और जिस तरीके से हमारे यहाँ पर पहले भी कुछ लोग हैं जिन्होंने खेल में अपना नाम कमाया हुआ है, जिसमें हमारे शार्प शूटर चैन सिंह जी हैं, हमारे मिथुन मन्हास जी जो है क्रिकेट में जो है बहुत रुचि रखते हैं, हमारी अरुषि कोतवाल हैं भद्रवाह से, तो ये सब लोग जो है आज हमारे आइकॉन हैं यहाँ पर, इन सब के आइकॉन हैं। और इसमें कुछ दो एक लोगों को और नॉमिनेट किया गया है, एक संदीप जी हैं, एक रविंद्र ठाकुर जी हैं, तो ये सारे लोग जो हैं इसमें इन चीज़ों को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों की इसमें भागीदारी रही तो ये एक अच्छा प्रोग्राम जो है होने जा रहा है। जिला तरकियाती कमिश्नर डोडा विकास शर्मा ने ब्लॉक दिवस प्रोग्राम में शिरकत करने और मुकामी लोगों की शिकायत सुनने के लिए कल बीडीओ ऑफिस बदरवा का दौरा किया। प्रोग्राम के दौरान मुकामी लोगों और पीआरआई मेंबरान की तरह से अपने अपने इलाके के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल उठाए गए। जिला रामबन के उखराल में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल निकीदार पंचायत बेंगरा के पिछले 5 साल से स्कूल की इमारत की छत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और स्कूल निजी इमारत में चल रहा है। तो पेश है भानियाल से मेहरान वानी की ये रिपोर्ट। नाम है एनपीएस नक्कीधार, जोन उखराल सर। ये मई 5 मई 2017 में गिरा सर, आंधी की वजह से ये मतलब उसकी छत जो उड़ गई, उसके बाद अभी तक किसी ने इसको मतलब देखभाल नहीं की सर। हमने बाकायदा मतलब उखराल ZDO ऑफिस, रामबन CO ऑफिस में मतलब ये दरख्वास्त दी, आवाम ने भी दी, अभी तक किसी ने इसको नहीं देखा सर। और उसके बाद 2017 से हम दरबेदर हैं, कभी किसी के घर में जाते हैं, कभी किसी के घर में, आज तक हमें रेंट भी नहीं मिला सर। इसलिए मतलब हम देखा रहे सर, अब बच्चों की हालत भी देखना नहीं चाहिए, स्कूल में कहाँ रखे हमने बच्चे सर। ये मुझे 2 टीचर्स हैं सर, उसके बाद बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो 25 है सर। बोलते बस सर करेंगे अगर अभी तक किसी ने रेंट दिया नहीं सर, इसलिए फिर हम भी चुपके क्या करेंगे सर, फिर अपनी जिम्मेदारी पर बच्चों को रख रहे हैं। पहले वो टीचर था इधर का ये सर टीचर, उसने अपने घर में रखा था, उसने जब वो घर गिरा दिया सर, मकान गिरा दिया, अब दूसरे घर में चले गए, फिर ZDO ने बोला कि मतलब मैं रेंट दिलाऊंगा, चलो तब तक गुजारा करो स्कूल में जब तक ये बनेगा। ये जनाब मेरा नाम उस्ताद अहमद, इलाका ये नक्कीधार बेंगरा रहना चाहिए। जहाँ बच्चों को नए स्कूल में कुछ बिल्डिंग जो है वो भी गिर चुकी है, बच्चे बिल्कुल दर्द थे जनाब, थोड़ा सा इधर क्या करेंगे, धूप में भी अंदर बाहर सड़ते हैं, इनके लिए थोड़ी बिल्डिंग चाहिए सर। उड़ गई थी ये जनाब, हवा से गिर गई थी, हवा से गिर, छत उड़ गया है, दीवारें वैसे ही
छत नहीं है, छत उड़ी है, इसको तकरीबन 2 साल हो गए। बच्चे इधर ही जनाब मैंने दिया है, थोड़ा सा कमरा तो उधर पड़ रहे हैं, और कहाँ पड़ेंगे जनाब, जगह ही नहीं है कहीं। पहले धूप में बाहर थे, फिर जब मुश्किल हो गई उनको धूप में नहीं रह सके, फिर मैंने थोड़ा सा इनको जगह दे दी, तो मुझे अपनी प्रॉब्लम। लोगों ने जिला रामबन तहसील और ब्लाक राजगढ़ के तरक्याती कामों में हो रहे काम पर काम करने वाले महकमा आरडीडी और ठेकेदारों पर इल्जाम लगाया कि महकमा ने इन कामों में आरडीडी की जानिब से आवाम को धोखा दिया है। तो पेश है हरदेव मनास की ये रिपोर्ट। लीट मंदिर बालचक में जो यहाँ पे शेड बनाने के लिए ये काम अलाट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद यहाँ पे देखा गया कि कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं की गई, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया गया, और ये जो काम हुआ है ये एमजी नरेगा 20 और 21 के तहत किया गया था। 20 और 21 के तहत ये एमजी नरेगा का काम किया हुआ, तो ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं जिसपे पैंट करके अपनी टाइटल डाला गया। जिला रामबन में डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरह से पॉलिटेक्निक कॉलेज में नयोडा कंपनी की तरह से प्लेसमेंट का इनाकाद किया गया। तुलबा का कहना है कि हमें प्लेसमेंट के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन इस बार पहली बार जिला रामबन में स्किल प्लेसमेंट हुई, इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसी जैसी प्लेसमेंट बार बार हो ताकि यहाँ के गरीब बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। तो पेश है रामबन से ताहिर मुश्ताक की ये रिपोर्ट। सर मेरा नाम तन्वीर सिंह, मैं चक्का कुंडी का रहने वाला हूं सर। तो इधर पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैं 2018 से 21 तक पास आउट हूं मैं। सर ये जो प्लेसमेंट हुई है सर, ये फर्स्ट टाइम हो रही है सर हमारे कॉलेज में, जो है प्लेसमेंट फर्स्ट टाइम हो रही है सर। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे ऐसी प्लेसमेंट होती रहें, आज बहुत अच्छी प्लेसमेंट हुई यहाँ पे। ये पहले जो हमारी प्लेसमेंटें होती थी, ये पहले हमें बोलते थे जम्मू जाओ वहाँ पे जाके प्लेसमेंट होगी आपकी, तो आज फर्स्ट टाइम जो है हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज रामबन में प्लेसमेंट हुई है। हम इसका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं अपने स्टाफ पॉलिटेक्निक कॉलेज रामबन का, और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसे प्लेसमेंट होती रहें, क्योंकि गरीब हैं हम, यहाँ तो हमें जम्मू जाना पड़ता है, वहाँ के लिए किराया खर्चना पड़ता है, तब जाके भी प्लेसमेंट नहीं होती थी पहले। तो इसलिए हमारी गुजारिश ये है कि जो लोकल कंपनियां हैं ये भी, इनको भी यहाँ पे बुलाया जाए और प्लेसमेंट करवाई जाए। जीवन सिंह है, मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का स्टूडेंट पास आउट 2019 का हूँ, उसके बाद मैंने बेचलर भी की हुई है। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रामबन में देखा जाए तो यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, कोई भी कंपनी यहाँ पे बच्चों को हायर नहीं करती है। पहली बार हमें ये एक अच्छा मौका मिला है जो कि यहाँ पे हम भाग ले रहे हैं, बाहर से नोएडा कंपनी आई हुई है। तो हम सबसे पहले शुक्र अदा करते हैं अपने प्रिंसिपल सर का और देसरा सर और जो हमारे एचओडी सर हैं कि हम बच्चों को मौका दिया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारी यहाँ पर लोकल कंपनीज़ हैं तो सबसे पहले लोकलों को प्रेफरेंस दे यहाँ पे, ताकि वो बच्चे अपना नॉलेज और गेन करें और उनका फ्यूचर अच्छा रहे। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से भी मैं एक ये इंतज़ार करता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी मतलब बाहर से कंपनी आती हैं तो यहाँ पे जो भी लोकल हैं उनको प्रेफरेंस पहले नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मतलब सबसे पहले 90% प्रेफरेंस यहाँ के लोकलों को मिलना चाहिए और हमारे कॉलेज में आके प्लेसमेंट करें। तो मेरी यही लास्ट में रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे प्लेसमेंट बार बार होती रहे। रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी प्राइवेट कंपनी अगर इस चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ उन तक जाती है तो यहाँ पे कॉलेज में आके यहाँ पे बच्चों को मौका दो। बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है लेकिन वो टैलेंट सारा जो है छुपा है, तो लोकलों को यही है कि मौका दो। तो गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सुकेत गुप्ता है, मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामबन बोल रहा हूँ। आज ये मैसेज सुग्रोस लिमिटेड नोएडा से आए हैं। ये फर्स्ट टाइम जब से पॉलिटेक्निक एस्टैब्लिश हुआ, 2012 में एस्टैब्लिश हुआ, 2015 में हमारा फर्स्ट बैच निकला और ये 2022 में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कोई कंपनी कैंपस के लिए आई है। ये कंपनी बेसिकली एसीज बनाते हैं और इनके और सारे भी सिस्टर कंसर्न्स हैं, ये आए हैं हमारे लिए, हमारे पास आज बेसिकली हमारे डिप्लोमा पासपोर्ट्स को हायर करने के लिए। इनका ऐसा रहेगा फर्स्ट ईयर में तो ये अप्रेंटिस रखेंगे एज डिप्लोमा ट्रेनी, जिसमें 10,000 मिनिमम पर मंथ मिलेगा इनको। बाकी इनको सब्सिडाइज मील मिलेगा 11 रुपये का, यूनिफॉर्म फ्री मिलेगी, शूज़ फ्री मिलेंगे, बाकी ESI वगैरह सारा कुछ होगा।
और ये हाउसिंग रहने का भी इनका घर वहाँ के आसपास ही अरेंज कर देंगे, जिसके पे मगरिनी को करना पड़ेगा। और सेकेंड ईयर में जब ये हो जाएंगे तब इनको 15,000 हो जाएगा और ये डिप्लोमा ट्रेनिंग इंजीनियर बन जाएंगे। थर्ड ईयर में इनको असिस्टेंट इंजीनियर बन जाएंगे और तकरीबन 17-18 हज़ार के आसपास मिलेगा। मैं तो बहुत थैंक यू करता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये आए हमारे फर्स्ट टाइम। ये सारा हमारे जो मिस्टर देशराज हैं टीपीओ, उनकी एफर्ट्स की वजह से हुआ, जिन्होंने इनसे टाई अप किया और ये आए। आज हमारे कोई 25 के करीब स्टूडेंट्स आए थे जिन्होंने पास आउट किया, और उसमें से मेरे को लगता है 10 से 15 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं उनको यही कहूँगा भाई, स्टार्टिंग सैलरी बेशक कम है, मगर एक बार वो ज्वाइन करें और फील्ड का एक्सपीरियंस लें, धीरे धीरे सैलरी बढ़ जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। थैंक यू। हाँ हाँ, पक्का, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम डीसी साहब से भी मिलते रहते हैं, डीसी साहब ने भी हमसे लिस्ट मांगी है पास आउट्स की, वो भी कंपनियों से टेकअप करेंगे हम पूरा, क्योंकि जितनी प्लेसमेंट्स अच्छी होंगी उतना ही हमारे डिप्लोमा का एडमिशन भी अच्छा होगा। आगे से हम आगे भी इसमें इसी में कार्य करते रहेंगे इसके ऊपर भी। और इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका भी करता हूँ और अपने टीपीओ का भी और इन सुब्रोज में से सुब्रोज के जो दो आए हुए हैं हमारे पास कैंपस के लिए, थैंक यू। यकम अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहर नवोदय विद्यालय घाट अरुणा के बच्चों के साथ एक लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं बच्चों से बात करते हुए मौजूदा दौर में किस तरह आगे बढ़ा जाए इसके बारे में तबादले ख्याल करेंगे। तो पेश है कुमार सुरेंद्र की ये रिपोर्ट। जो 1 अप्रैल को यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उस प्रोग्राम में हमें ये पता चलेगा कि हम अपनी जो हमारा एग्ज़ाम को लेकर डर है उसको हम कैसे फेस कर सकते हैं और हम अपनी पढ़ाई को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ताकि हम अपनी गोल्स को भी फुलफ़िल करें और अपने पेरेंट्स को के भी गोल को फुलफ़िल करें। उनके पेरेंट्स के लिए तो ये मैसेज है कि वो अपना काम करें और अपने बच्चों को पढ़ने का मौका दें, और जो बच्चे हैं वो भी अपनी फुल कोशिश करें ताकि वो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही सकें। मेरा नाम चंद्र कुमार है और मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस प्रोग्राम को लेके, और डायरेक्ट तो इंटरेक्ट हम करेंगे नहीं, लेकिन जो लाइव सेशन होगा, ये जो लाइव प्रोग्राम होगा उसको हम लाइव देखेंगे। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और होप हम इस प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे कि हमें अपने एग्ज़ाम्स को किस तरह टैकल करना है। हाँ, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं स्ट्रेस, एग्ज़ाम के टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं कि हमारे मार्क्स कम आ जाएंगे ये वो, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। और ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमने पिछले सालों में भी ये देखा है, तो ये हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और हमारी जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है एग्ज़ाम्स को लेकर। सर, हर साल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो CBSE में बोर्ड में बच्चे अपीयर होते हैं, एग्ज़ामिनेशन का जो फियर बच्चों के मन में रहता है, इस फियर को किस तरह से कम करना है और ख़त्म करना है, और एग्ज़ामिनेशन को एक फेस्टिवल की तरह बच्चों को देखना है, पेरेंट्स को देखना है, जो टीचर हैं वो भी एग्ज़ाम को एग्ज़ाम फोबिया ना बनाएं, इसके लिए एक बहुत ही लाइट वेन में लाइट हर्टेड होके इंटरेक्शन करते हैं पूरे ही देश के ऐसे बच्चों के साथ जो कि CBSE के बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस में अपीयर होते हैं। हर साल बहुत से बच्चों को बहुत से कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो माई गॉप के द्वारा करवाए जाते हैं, और इनमें जिन बच्चों की सिलेक्शन होती है उन बच्चों को स्पेशल इनवाइट किया जाता है। हर साल अप्रॉक्सीमेटली 1,000 के करीब बच्चे, पेरेंट्स जो अभिभावक हैं और टीचर्स जो हैं वो इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, और इसका सिंपल एक ही मकसद है कि एग्ज़ाम को एक फेस्टिवल से किस तरह से लेना है, एग्ज़ाम का फोबिया बच्चों के मन में नहीं होना चाहिए। तो ये जो एक फेस्टिवल ओकेजन है, ये पूरे नवोदय विद्यालय समिति में तो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, हमारे स्कूल में भी हमने स्पेशल अरेंजमेंट किया है, हमारे पूरा स्कूल ही है जो हमारे सारे बच्चे हैं वो इस प्रोग्राम को देखेंगे, और नवोदय विद्यालय के कुछ बच्चे जो हैं उन्हें एक अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी इंटरेक्ट करने से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, तो हमारे बच्चों को एक एक्सपोजर भी मिलेगा, वो तैयार भी होंगे कि किस तरह से अगले साल वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ इंटरेक्ट कर सकें, और इसके साथ ही उन्हें एक उनका जो कॉन्फिडेंस है वो रिगेन करेंगे। देखिए, हम सबको 1 अप्रैल को यहाँ पे प्रोग्राम है उसके बारे में बता सकते हैं। 1 अप्रैल को हमने बच्चों के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया है, हमारे स्कूल में MP हॉल तो नहीं है, लेकिन जो हमारा डाइनिंग हॉल है वहाँ हम अपने बॉयज़ और गर्ल्स पूरे स्कूल को ही, वहाँ हमारे बच्चे इकट्ठे होंगे और 11 बजे के करीब हमारे बच्चे वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और इस प्रोग्राम को पूरा देखेंगे, जिसमें पूरे स्टाफ और हमने पेरेंट्स को इन्वाइट किया है, और पेरेंट्स को हमने
ये जो इनविटेशन है वो थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप भेजा है हमारा पीटीए जो ग्रुप है उसके द्वारा हमने बच्चों को और पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन भेजी है। अब इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए चनाब टीवी के साथ। नमस्कार।